अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अय्यूब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.6 सीक्वेंस एंड सीरीज़। टॉपिक का नेम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 एंड 12 सॉल्व कराए थे। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट मी स्टार्ट। आज जो मैं पहला क्वेश्चन करने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि a1 आर स्क्वेयर, a1 आर पावर 4 अप टू सो ऑन, ये कहाँ पर हैं? आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है वी हैव टू प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? 1 बाय ए वन आर स्क्वेयर, 1 बाय ए पावर 4 आर आल्सो इन जी पी। हमने ये प्रूफ करना है। नाउ अब मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा आर प्राइम विच इज़ नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, 1 बाय ए वन आर स्क्वेयर इन टू ए वन, ये से कैंसिल हुआ तो मेरे पास आर प्राइम की वैल्यू बनी है 1 बाय आर स्क्वेयर। एंड आर प्राइम अब क्या बनेगा? a1 r की पावर 4 ओवर प्रीवियस टर्म है 1 ओवर a1 r पावर 2। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये बनेगा 1 ओवर a1 r की पावर 4 इन टू a1 r स्क्वेयर। a1 से a1 कैंसिल, r स्क्वेयर से ये कैंसिल, तो r प्राइम आपके पास बन जाएगा 1 बाय r स्क्वेयर। मैंने r प्राइम नाम क्यों दिया? क्योंकि r ऑलरेडी यूज़ हो चुका था इस सीक्वेंस में, तो मुझे डेफिनेटली कुछ चेंज करना था। आप देखें कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कब कन्वर्ट होगा? जब उसकी टर्म्स में कॉमन रेशियो कॉमन हो या सेम हो। आप देखिए यहाँ पे रेशियो है 1 बाय r स्क्वेयर, यहाँ रेशियो है 1 बाय r स्क्वेयर। 1 बाय r स्क्वेयर आना ज़रूरी नहीं है, आना ज़रूरी क्या है? सेम आना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव कंक्लूडेड दैट 1 बाय a1 r स्क्वेयर 1 बाय a1 r पावर 4 आर एन जी पी। स्टेटमेंट ये थी कि इसका रेसिप्रोकल क्या बनाएगा? जी पी बनाएगा। तो रेसिप्रोकल तो ये होता ना कि आप इनके टर्म्स को रिवर्स करके लिख दें, रेसिप्रोकल करके लिखें, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हमें इसमें गिवन क्या है? हमें कहा जा रहा है कि a5 बाय a2 इज 4 बाय 9 एंड a2 इज आल्सो 4 बाय 9। और कहा जा रहा है कि फाइंड करें इट्स nth टर्म। अब मुझे इसकी nth टर्म के लिए काम करना है। स्टार्ट करते जी, स्टार्ट कैसे करेंगे? आई थिंक सो यहाँ पर a3 है, a2 नहीं है। यस ये a3 है जी। स्टार्ट दीजिए ज़रा। आप देखें a3 किसके इक्वल होगा? बाय द फार्मूला a1 r स्क्वेयर। a5 किसके इक्वल होगा? a1 r की पावर 4। एंड a2 किसके इक्वल होगा? a1 r के इक्वल होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? मुझे लिखना है जी इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, तो a5 की वैल्यू है a1 r की पावर 4 ओवर a1 r स्क्वेयर, इट इज 4 बाय 9। a1 से a1 कैंसिल हुआ, r स्क्वेयर से r की पावर 4 कैंसिल हुई, तो मेरे पास यहाँ पे बना है r स्क्वेयर विच इज 4 बाय 9। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे r की मिलेंगी 2 वैल्यूज़, एक मिलेगी प्लस
टू बाई थ्री, एक मिलेगी माइनस टू बाई थ्री। अब देखिएगा एंड ए टू किसके बराबर है, ए वन आर विच इज फोर बाय नाइन। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ मैं क्या लिखता हूँ कि पुट आर इज इक्वल टू टू बाई थ्री, इसे मैं कोई नाम देता हूँ थ्री का, इन इक्वेशन नंबर थ्री। फिर यहाँ लिखूँगा मैं पुट आर इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री इन इक्वेशन नंबर थ्री। पुट कीजिए, ये है ए वन इन टू आर टू बाई थ्री इज इक्वल टू फोर बाई नाइन, इम्प्लाइज ए वन किसके बराबर है, टू बाई थ्री के बराबर आ गया ए वन। यहाँ पुट कीजिए ए वन की वैल्यू है ए वन और आर है माइनस टू बाई थ्री, इट इज़ फोर बाय नाइन। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये वाला थ्री इससे कैंसिल हुआ, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये थ्री इससे कैंसिल, ये टू इससे कैंसिल, तो ये वाला टू इससे कैंसिल और ये थ्री इससे कैंसिल, तो इम्प्लाइज ए वन इज इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री। याद रहेगा ए वन और ए वन ये बना। अब देखिएगा अब मैं क्या लिखूँगा, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए वन इन टू आर की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए ए वन की वैल्यू टू बाई थ्री, आर की वैल्यू टू बाई थ्री, इसकी पावर एन माइनस वन। दोनों की बेसिस सेम हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को ज़रा ऐड कीजिए, जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट टू बाई थ्री की पावर आएगी एन, और ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ गई है। सिमिलरली आप यहाँ भी क्या लिखेंगे, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन, तो कितना बनेगा, ए वन है माइनस टू बाई थ्री और आर है माइनस टू बाई थ्री की पावर एन माइनस वन, इसे आप लिखेंगे माइनस टू बाई थ्री की पावर। वही काम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम, पावर्स ऐड करेंगे तो ये बनेगा एन के बराबर। ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, वरना बुक वाले ने जो किया है वो ये है कि इसको लिखा है माइनस वन इंटू टू बाई थ्री की पावर एन। अब आपने क्या करना है, माइनस वन की पावर एन को अलग करना है और टू बाई थ्री की पावर एन को अलग करना है, दिस इज़ द आंसर। इसमें हमारे पास टू टर्म्स बनी विच आर nth टर्म फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर नाइन कर लिया और क्वेश्चन नंबर हमने एट सॉल्व कर लिया है। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो सेवन। यस, सो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी आर एन जी पी। अगर ये जी पी में हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हम इनको लेके चलते हैं। अब देखिएगा अगर ये जी पी में हैं तो आर किसके बराबर होगा, बी ओवर ए के बराबर होगा आर। तो यहाँ से बताइए मुझे बी की वैल्यू क्या मिली, ए आर इज़ द वैल्यू ऑफ बी। फिर सिमिलरली आर किसके बराबर है, C बाय B, यहाँ से C की वैल्यू क्या मिली, B इंटू आर। एंड B की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए B की वैल्यू है ये बनेगा C, B की वैल्यू है A इंटू आर और ये बनेगा R, और यहाँ से मुझे C की वैल्यू मिली है, वो मिली है A इंटू आर स्क्वेयर। अब आखिरी दफ़ा R फाइंड करें, D by C, तो C into R becomes D, तो C into R becomes D, और देखिएगा D is equal to C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है A into R square into R, और मुझे यहाँ से D मिला है A into R cube मिल गया मुझे। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, We have to prove that
ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी आर एन जी पी। मुझे प्रूफ करना है कि ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी आर एन जी पी। आप गौर से देखिएगा, ये अगर ए बी सी डी जी पी में हैं तो उनका साइक्लिक डिफरेंस, साइक्लिक मीन ए माइनस बी तो बी माइनस सी, बी माइनस सी तो सी माइनस डी, ये भी किस में है? जी पी में है। ये मुझे प्रूफ करना है। अब तीन नंबर हैं, मुझे प्रूफ करना है जी पी में ये नंबर्स हैं। मैं क्या प्रूफ कर दूंगा? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इनका कॉमन रेशियो का जो आंसर है वो सेम आता है, इट मीन्स दे विल बी इन जी पी। नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? नाउ मैंने कहा आर प्राइम, क्योंकि आर मैं यूज़ कर चुका हूँ, अब मैंने आर प्राइम यूज़ कर लिया। वो क्या है? बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है? ए आर। सी की वैल्यू क्या है? ए आर स्क्वेयर ओवर ए माइनस ए आर। और यहाँ बता दें कि बी किसके बराबर है? ए आर। सी किसके बराबर है? ए आर स्क्वेयर के बराबर है। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? ए आर, तो बन क्या गया? वन माइनस आर। नीचे से कॉमन आया ए, तो बन क्या गया? वन माइनस आर, ये कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ। इम्प्लाइज आर प्राइम इज इक्वल टू आर। इससे मैंने इक्वेशन नंबर ए का नेम दे दिया। अभी सिर्फ मैंने क्या किया है? अभी सिर्फ मैंने ये किया है कि मैंने सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म की रेशियो फाइंड करने के बाद उसका जो आंसर फाइंड किया वो क्या बना? वो आर ही बन गया। ओके, अब मैं फाइंड करता हूं आर प्राइम, वो फाइंड कैसे करता हूं? नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म से। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? सी माइनस डी ओवर क्या आ रहा है? बी माइनस सी। तो यहां पे आप क्या करेंगे? आप C की पुट करें वैल्यू विच इज़ ए आर स्क्वेयर, D की वैल्यू पुट करें विच इज़ ए आर क्यूब ओवर ए आर माइनस ए आर स्क्वेयर, और बता दीजिए कि C किसके बराबर है? ए आर स्क्वेयर के बराबर है। B किसके बराबर है? ए आर के बराबर। और D किसके बराबर है? ए आर क्यूब के बराबर है। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, और अब मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो ए आर स्क्वेयर इज़ कॉमन, तो वन माइनस आर। ए आर इज़ कॉमन, तो वन माइनस आर, वन माइनस आर, वन माइनस आर, ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल। इम्प्लाइज आर प्राइम इज़ इक्वल टू व्हाट आर। इसे मैंने बी का नेम दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? मुझे लिखना है कि फ्रॉम ए एंड बी वी have concluded that क्या है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर एन जी पी प्रूफ हो गया। तो ये मैंने इसका फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ आपको करा दिया है। इसका सेकेंड वाला पार्ट, मतलब जब आप देखिए, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो कोई एक पार्ट आएगा, जब कोई एक पार्ट आएगा तो आपने शुरू यहाँ से लेना है। मैं क्योंकि ये सारे का सारा काम यहाँ तक कर चुका हूँ, अब ये मैं सारा काम नहीं करूँगा, मैं करूँगा डायरेक्ट जो मुझे प्रूफ करना है। और प्रूफ मुझे क्या करना है? अब मुझे प्रूफ करना है कि शो दैट ये है वी हैव टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्केयर माइनस सी स्केयर, सी स्केयर माइनस डी स्केयर आर एन जी पी। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक हो गया। एग्जैक्टली वही प्रोसीजर, वही काम आपने आर फाइंड करने हैं, और आर के आंसर्स सेम आएंगे तो वहाँ से हमें प्रूफ हो जाएगा कि वाकई में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। नाउ एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, वो क्या बनेगा? बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर, ये बना। यहाँ पे मुझे पुट करनी है बी की वैल्यू ए आर उसका स्क्वेयर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर उसका स्क्वेयर,
ए इज़ दिस वन एंड बी इज़ ए आर। अब आप यहाँ पे ना वैल्यूज़ खुद देखिएगा कि बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, या फिर ये हो सकता है कि आप यहाँ पहुँच के इसी को नेम दें और लिखें पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ बी एंड सी इन, जो भी नाम दिया होगा इन दैट इक्वेशन। अब ऊपर क्या बनेगा देखिएगा, ये बनेगा ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर की पावर 4 बाय ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ऊपर से कॉमन आ रहा है ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, तो बनेगा 1 माइनस आर स्क्वेयर, ओवर ए स्क्वेयर इज कॉमन तो बनेगा 1 माइनस आर स्क्वेयर। तो 1 माइनस आर स्क्वेयर 1 माइनस आर स्क्वेयर कैंसिल, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, और मेरे पास यहाँ पर आया है r प्राइम इज इक्वल टू r स्क्वेयर। अब आई होप सो कि आप इसका सेकंड वाला पार्ट खुद कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट बाय प्रीवियस करेंगे, उसी तरह प्रीवियस वैल्यूज़ की तरह आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, तो आई होप सो कर लेंगे आप लोग, वो आएगा r प्राइम। आपने अब ये वाला पार्ट खुद सॉल्व करना है कि आपने नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म करना है, करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका आंसर भी ये आएगा। और फिर एंड पे आप क्या लिखेंगे कि फ्रॉम ए एंड बी वी हैव कंक्लूडेड दैट ए स्केयर माइनस बी स्केयर बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस डी स्केयर आर इन जी पी। तो ये अब आप लोगों ने कंप्लीट करना है, इसे भी आपने कंप्लीट करना है, और जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसमें यहाँ पर प्लस साइन है, उसे भी आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है। सो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया है, और हम आगे अब स्विच करते हैं कि हमने अब क्वेश्चन नंबर 10 करना है, और 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। सो लेट मी स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जी पी हूज सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। रिकॉल कीजिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी 6.4 के अंदर, जब मुझे कहा गया था कि फाइंड 3 नंबर्स इन ए पी हूज सम इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। आज हमें यह कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर्स इफ, मतलब नंबर्स कहाँ पर हैं, नंबर्स हैं जी पी के अंदर। अब देखिए, अब वो नंबर्स आप कैसे अज्यूम करेंगे, जिस तरह मैंने प्रोसीजर किया था किसके लिए, ए पी के लिए, मैं यहाँ पे करता हूँ जी पी के लिए। लुक एट दिस, मैं ये कहता हूँ मेरे पास फर्स्ट नंबर है ए, सेकंड नंबर क्या होगा ए आर, और थर्ड नंबर क्या होगा ए आर स्केयर। ठीक हो गया, लुक एट दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक नंबर है ए, मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो मुझे आर से मल्टीप्लाई करना होगा, और मुझे उस नंबर से भी नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो मुझे आर से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि मिडल में नंबर है ए और मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे आर से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर मुझे रिवर्स पीछे आना है तो मुझे आर से डिवाइड करना होगा। अब आप देखिए, यहाँ से देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 8, मुझे नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज आर इज 2, और मुझे प्रीवियस नंबर फाइंड करना है तो मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, हम अगर चाहें तो नंबर्स ये भी ले सकते हैं, चाहें तो नंबर ये भी ले सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन सेम नहीं होंगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। सो लेट मी स्टार्ट, मेरे पास अब है क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। मैं सपोज करता हूँ लेट ए बाय आर ए और ए इंटू आर बी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जी पी। नाउ अब मुझे क्या लिखना होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, कहता है कि उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ए ओवर आर इंटू ए इंटू आर,
ये बराबर है 216 के, तो r से r कैंसिल हुआ, a इंटू ए, दिस बिकम ए क्यूब विच इज इक्वल टू 216, और यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई है 6। क्यों मिली है? 216 होता है 6 का क्यूब, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिली? 6 मिली। एंड अब उसने क्या कहा? कहते उनका सम किसके बराबर है? उनका सम है 26 के बराबर। देखिएगा, यानी a बाय r प्लस a इंटू r किसके बराबर है? 26 के बराबर है। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, पुट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, इसे आप लोग 1 कह दें, ज़रा पुट कीजिएगा, 6 बाय r प्लस 6, 6 इंटू r इज इक्वल टू 26। अब मुझे क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा या r से मल्टीप्लाई करना होगा? चलें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 प्लस 6 r प्लस 6 r स्क्वेयर एंड 26 r। सिंप्लीफाई कीजिए, 6 r स्क्वेयर प्लस 6 r प्लस 6 एंड माइनस 26 इज इक्वल टू 0। दिस इज 6 r स्क्वेयर और ये बनेगा 6 r माइनस 20, सॉरी यहाँ पे आना था 26 r इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस 20 r प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे ये करना होगा कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करता हूँ, दिस इज 3 आर स्क्वेयर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ मेक फैक्टर्स, ये क्या बनेगा? 3 आर का स्क्वेयर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3 आर, तो बनेगा r माइनस 3 माइनस 1 इज कॉमन, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज 3 आर माइनस 1 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दो r की वैल्यूज मिलेंगी, पहली वैल्यू 3 r माइनस 1 0, r इज इक्वल टू 1 बाय 3 एंड r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड r बिकम्स व्हाट? 3। यही काम हम लोग पहले भी करते रहे हैं। अब आप फिर ये काम करें, यहाँ पे आप लाइन लगाएं और यहाँ पे क्या लिखें कि व्हेन a इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 1/3, व्हेन a इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 3, देन हमारे पास फिर नंबर्स क्या आएंगे? देन अब देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्या था? दैट वाज a ओवर r। आप यहाँ पर क्या करेंगे? a बाय r 6 बाय 1/3, इट बिकम्स 18। सेकेंड नंबर था a 6, थर्ड नंबर था a r 6 इंटू 1/3 विच इज 2, दिस इम्प्लाइज 18 6 2 r रिक्वायर्ड टर्म्स या नंबर्स। और फिर यहाँ पर क्या आएगा? a बाय r 6 बाय 3 इज 2, a इज 6, a इंटू r विच इज 3 टाइम 2 बिकम्स 6 टाइम 2 बिकम्स 12, दिस इम्प्लाइज 2 6 12 r इज आई थिंक सो 3, दिस वुड बिकम 18। तो ये बनेगा 2 6 18 आर रिक्वायर्ड टर्म्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हुआ 10। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।